शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सूरज निकल आया। थोड़ी देर पहले यहाँ पर काले बादल थे और सारी रात बारिश भी हुई है। गोट फार्म की तो अभी सफाई हो गई थी, लेकिन जो छत है ना, देखें ये भी आपको साफ सुथरी लग रही होगी, ये सिर्फ बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। तो क्योंकि सूरज अब निकल आया है तो मैं तमाम परिंदों को खोल देता हूँ। ये जो मुर्गा मुर्गी है ना, ये अंदर ही नहीं जाती है, ये है ना गोट फार्म में रहते हैं, तो ये गोट फार्म में ही थे, ये तो निकल आए बाहर, लेकिन जो पिंजरों में थे ना उनको मैं खोल रहा हूँ। ये खुल गया तो मैं अपने चिकन्स को खोल लेता हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि हमारी चिकन्स कहाँ गई हैं। तो यार रात को क्या सीन हुआ कि ना बिल्लियाँ आई तकरीबन 4 से 5 बड़ी बड़ी ना, तो हमारे चिकन्स पर हमला किया उन्होंने। सारे टर्की बर्ड्स चिकन सबको खाने के लिए आई और वो कामयाब भी हो गई और खा गई। मजाक कर रहा हूँ यार, हमारी सारी की सारी चिकन्स, ग्यूनाफोल्स, टर्की बर्ड्स सारे चिकन कूप में हैं। यहाँ पर देखें, हमने जो बारिश के लिए बनवाया था ना, तो यहाँ पर बहुत सिक्योर है, कुछ भी नहीं होता इनको, ना पानी आता है। देखें बिल्कुल खुश्क जगह है ये वाली। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको खोल देता हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और तो और हमारा ईगल भी इधर ही है इनके साथ, कुछ भी नहीं कह रहा है, इनके साथ आराम से खड़ा हुआ है, लड़ भी नहीं रहा और इनको मार भी नहीं रहा। देखें बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ है। हाँ वो गई गई, एक गई। आ जाओ भाई, हाँ ऐसे ऐसे, शाबाश शाबाश शाबाश। कैसा फील हो रहा है यार ये, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर बैठा रहता था ना, रात दिन ही पे बैठा रहता, आज नई जगह पे था ये। मैं इसकी रात अच्छी गुजरी होगी क्योंकि बारिश से बचा रहा होगा, सर्दी से बचा रहा होगा। आ जाओ आ जाओ। चलो भाई ये आ नहीं रहा, इसका मतलब इसकी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही होगी इनके साथ, तो इनके साथ ही आएगा बाद में। आ जाओ भाई आप लोग। चलो ये तो आ ही रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देखें कितना खुश हो रहे हैं यार ठंडे ठंडे मौसम में। ये कबूतर भी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका दरवाजा भी खोल लेता हूं मैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कमाल है माशाल्लाह, आ जाओ। शाबाश। सुबह के नाश्ते का टाइम हो गया इनका। भाई ऐसे गोल करके डाला है मैंने, तो देखते हैं जब ये गुलाई में खड़े होंगे ना सारे तो किस तरह लगेंगे, अभी देखते हैं। चलो भाई सारे आ जाओ, नाश्ता लग गया, नाश्ता लग गया। जाओ 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 जाओ। इधर क्या कर रहे हो भाई, बकरियों का खाना खा रहे हो? अरे खाली है तुम्हारा लाना है तुम्हें, बल्कि शाम को देना होता है, सुबह नहीं देना होता, ज़्यादा नहीं खा सकते तुम दाना। देखो भाई इसका काम देखो, खाली बर्तन में मुँह डाला हुआ है। जैसा मैंने सोचा था ना वैसे तो नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी ऐसे सीक्वेंस में खा रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। भाई ये पता नहीं इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, मुझे तो लगता है यार कोई ना कोई भाई इनको सिला मिलेगा मेहनत का, हमें इंतज़ार का सिला मिलेगा और इनको अपनी मेहनत का ज़रूर सिला मिलेगा। भाई रुक जाओ, क्या हो गया? चलो देखते हैं यार क्या मिलता है हमें। पकड़ी गई, पकड़ी गई यार। ये घास खा रही थी यहाँ पर, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार कि कोई बिल्ली ना घास खा रही है। ये देखें, ये बकरियों के सामने बैठी रहती है ना, तो उनको देखती होगी घास खाते हुए, इसका भी दिल करता होगा कि मैं भी खाऊं। आज इसको मौका मिल गया है, शायद इसीलिए खा रही होगी। जाओ घास नहीं खाओ, पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। जाओ जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों पत्थर आ चुके हैं, जो हमने कल डिसाइड किया था ना, यही पत्थर ही डिसाइड किए थे कि हम यहाँ पर पत्थर लगवाएंगे। टाइल दरअसल यार मुझे पसंद नहीं आ रही थी काफी, भाई कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप पत्थर ही लगवाएं, टाइल ना लगवाएं, तो हम पत्थर ही लगवा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर पत्थर लगेंगे, आ चुके हैं सारे। हाँ अभी चेक करते हैं, मैंने सफाई की है ना अभी, तो यहाँ पर लगाते हैं पत्थर की, चेक करते हैं कि प्यारे लगते भी नहीं लगते, क्योंकि मैं ऐसे रिस्क। अब आ चुके हैं, अब चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे टाइल्स भी आ चुकी थी तो वापस हो गई है ना, ये भी आ चुके हैं, तो अगर गंदे लगे ये भी वापस कर देंगे। ऐसे फिक्स कराएंगे जब फिर उतार भी नहीं सकेंगे। चलो ठीक है, सारे पत्थर पहले उस ट्राली में डालो, ठीक है? चलो ट्रॉली दोस्तों हमने भर ली है, और अब हम दोस्तों चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर ये कैसे लगेंगे। तो चलो भाई अब आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि अब सारा टेक्निकल काम है। तो ये नहीं, रुक जाओ, ऐसे यार लगाने हैं, लगाते जो ऐसे। हाँ तो यार आप सोच रहे होंगे कि हमने एक ट्रॉली क्यों भरी, हम डायरेक्ट वहाँ से यहाँ तो लगा सकते थे। यार ट्रॉली की ये वजह है क्योंकि तुराब अब इजीली लगा पा रहे हैं, वहाँ से अगर लगाना होता ना इसको झुकना पड़ता है, इसको आपको पता भी आंखों का भी ताज़ी ताज़ी सर्जरी हुई है, तो इस वजह से डॉक्टर ने कहा ज़्यादा झुकना नहीं, आँखों में बोझ आता है ना, तो यहाँ पर ईजिली ये काम करता रहेगा, तो इसलिए ये काम किया है हमने। यार इतना गैप क्यों दे रहे हो, फिर पता कैसे चलेगा? मेरी आंखों में मट्टी आ रही है, मैं उठ रहा हूं यहां से, लगाओ तुम। भाई सारे काम मैं करूं क्या यार, मट्टी आ रही है यार, फिर आंखें बंद करके लगाओ।
जाओ पहन के आओ। तो भाई देख सकते हैं आप किस तरह का लगेगा जब पत्थर लग जाएंगे। भाई बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है यार देखा जाए तो। मैंने नहीं कहा था अच्छा लगेगा। सही कहा था यार तुमने बिल्कुल यार। वो मैं वैसे कह रहा था, मजाक की थी, मैं वैसे यही चाहता था कि ये पत्थर लगे। तो आपने बताना है कि ये पत्थर कैसे लग रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं यार देखा जाए तो यही कन्फर्म हो गया, अब यही लगेंगे। तो सारे पत्थर दोस्तों हम वापस उधर डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने आरजी रखे थे, हमने सिर्फ चेक किए थे कि यहाँ पर कैसे लगते हैं। तो इंशाल्लाह कल या परसों यहाँ पर हम परमानेंट सेट करेंगे और फिर उसके बाद आएगा अंदर का काम इंशाल्लाह। फिर अंदर की दोस्तों जो जो हमने चीज़ें बनवाई वो बनवाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर ना हम एक सेफ्टी रूम बनवाएंगे, अपना अपने लिए नहीं जानवरों के लिए, उनके लिए हम बनवाएंगे सेफ्टी रूम। सेफ्टी रूम किस लिए बनवा रहे हैं दोस्तों? ताकि जब ज़्यादा बारिश आती है, ज़्यादा सर्दी हो, धुंध का मौसम हो या ज़्यादा गर्मी हो, तो हम अपने जानवरों को ना इस सेफ्टी रूम में बंद कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है यार, ताकि हमारे जानवर सेफ रहें, उनकी अच्छे से केयर हो। तो उसके बाद फिर बाकी जो जो बनवाना होगा फिर देखेंगे क्या क्या बनवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेफ्टी रूम बनेगा। सारे पत्थर दोस्तों हमने वापस रख दिए हैं। और कब लगेंगे भाई, कल या परसों बताओ? क्या पत्थर पत्थर अभी लगा दो, मेरा क्या यार। अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपनी बकरियों के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चिल्ला रही हैं। डॉक्टर ने मना तो किया है कि आपने ना ज़्यादा बोलना नहीं है, काम नहीं करने ज़्यादा। तो 3-4 दिन हो गए मैं मतलब रेस्ट ही कर रहा हूँ, सिप्तैन ही सारे काम करता है। तो आज सिप्तैन ने बोला यार मेरे साथ ही रहो, तुम ज़्यादा काम नहीं करना लेकिन साथ साथ रहो। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ बकरियों को घास डालना है। मैं नहीं डालूंगा, सिप्तैन को मैं बुलाता हूँ कि कहाँ रखा क्योंकि वजन भी मैंने दोस्तों नहीं उठा रहा। बस यार दुआ करके जल्दी से रिकवर हो जाऊँ मैं, फिर मैं नॉर्मल से अपनी लाइफ गुजार सकूं। अभी तो काफी एहतियात करनी पड़ रही है। सिप्तैन यार घास डालो ना, बेचारी चिल्ला रही है नीचे, आवाज कितना आ रही थी। जो 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 उठाओ। तो भाई घास जो बचा हुआ था ना सुबह वाला वो अब डाला जाएगा बकरियों को। ये लो ये लो। ओ भाई थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना घास, बहुत ज्यादा दर्दनाक तरीके से चीखती है। ऐसे लगता है पता नहीं इनको क्या हो गया, कोई किसी ने गोली मार दी इनको, क्या कर दिया। सिर्फ भूख की वजह से बड़ा जोर से चिल्लाती है, मतलब अजीब दर्द होता है इनकी आवाज में। कभी सुनवाऊंगा आपको क्या हुआ। ओ वाओ नाइस, हमारी इस कबूतरी ने मुर्गी का अंडा दे दिया। मुर्गी ने दे दिया भाई, मुर्गी का अंडा आ गया। और इस कबूतर इसका कह रहे हो ना, दो अंडे दे दिए। हाँ कल यहाँ पर एक अंडा था और आज देखे दो अंडे आ चुके हैं। क्या बात है क्या बात है। बस तो यार सुबह मैंने मछलियों को ना बहुत ज्यादा फीड डाल ली थी, काफी ज्यादा। भाई कह रहे थे भाई आपने बहुत ज्यादा फीड डाल ली है। मेरी आदत है यार मैं ज्यादा डाल देता हूँ लेकिन आज तक मछलियों को कुछ हुआ नहीं है इससे। मैं यार पेट भर के खा लें मेरा ये बस यही दिल करता है, लेकिन ज्यादा नहीं देनी चाहिए, मछलियों को नुकसान होता है, मर भी सकती है, सुनने में तो यही आया है। तो अभी मैंने बहुत कम डाल ली है, ना होने के बराबर गिने चुने दाने डाले क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा खा ली थी। तो कल सुबह जो है ना थोड़ी सी ज्यादा दे दूंगा। तो यार अभी हम लाए हैं किचन से रोटी जो कि शौक से खाएंगे, हमें सुनने में यही आया क्योंकि हम नहीं खिलाते, हम दाना खिलाते हैं। तो अभी चेक करते हैं, देखो आ तो गए खाने के लिए, ये देखें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, एक मिनट तुम ये इनको खिलाओ, बाकी जो बच गई है ना मैं खिलाता हूँ इन बतखों को। इनको तो भिगो के देनी है ना, ऐसे डाल दो। अच्छा ऐसे खा लेंगी, चलो देखते हैं। तो रोटी के टुकड़े कर दिए मैंने, ये खुद ब खुद आएंगी और खाएंगी। ये देखिए खा रही हैं, इतना शौक से दाना खाते हुए मैंने कभी नहीं देखा इनको, रोटी बड़े शौक से खा रही हैं ये। आइए सर नोश फरमाइए, ये आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज दोस्तों मैं ईगल को खाना अपने हाथों से खिलाऊंगा क्योंकि तकरीबन एक हफ्ता हो गया मैंने ईगल को ना चिकन नहीं खिलाया, सिप्तैन खिलाते ज्यादातर। तो आज मैं खिला देता हूँ। अरे ख्याल में काफी है, एक बूटी देते हो? तीन। ये लो भाई, मैं दे रहा हूँ तुम्हारा ही है यार, और किसको दे। खाओ 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 खाओ, मजे करो, जल्दी से बड़े हो जाओ यार, फिर तुम्हें आजाद करें हम। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।